क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर एल्फा की पावर सेवन एंड बीटा की पावर फोर इज। तो एल्फा की पावर सेवन एंड बीटा की पावर फोर के लिए यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमें गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, लेट इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अल्फा और बीटा लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, यहाँ पे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन के यहाँ पे, तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे लेट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा के बराबर है एंड बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे एक क्यूब रूट को है ना, तो दो ही लेके चलना है, तो इनका सम क्या होता है अल्फा प्लस का बीटा, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस को ओमेगा स्क्वायर, और ये हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता है यहाँ पे, एंड अल्फा बीटा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब आएगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, वन होता है। क्या बोला था उसने, अल्फा की पावर सेवन प्लस बीटा की पावर सेवन के अगर उनके रूट अगर ये हैं तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, तो हमें एक फॉर्मूला पता है ना, तो अगर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर गिवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो मैं इसी के लिए ये सम ऑफ रूट निकाल रहा हूँ इसका। तो अल्फा की जगह क्या हमारे पास ओमेगा, तो ओमेगा की पावर सेवन, बीटा की जगह क्या हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर फोर हो जाएगा, ओमेगा की पावर सेवन ओमेगा की पावर एट, ओमेगा स्क्वायर इसको मैंने ब्रेक कर रखा है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर सिक्स हो जाएगा ये, एंड मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ओमेगा की पावर सेवन हो गया, ओमेगा ओमेगा की पावर एट को भी ब्रेक कर लीजिए, थ्री के पावर टू एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर वन, ओमेगा आ जाएगा, एंड इसी में भी उसी तरह से यहाँ पे भी वन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा माइनस का वन, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट भी निकाला हुआ है, अल्फा की पावर सेवन एंड बीटा की पावर सेवन, अल्फा की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा की पावर सेवन, बीटा की पावर, बीटा की वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, उसकी पावर कितना हो जाएगा फोर, तो ये फोर टू जाए एट, एट और सेवन कितना हो गया टोटल फिफ्टीन, ओमेगा की पावर फिफ्टीन, इसको भी ब्रेक कर लीजिए, ओमेगा की पावर थ्री की पावर फाइव हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर थ्री की वैल्यू वन, वन की पावर फाइव इज इक्वल टू वन, तो मुझे सम ऑफ रूट भी मिल चुका है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मिल चुका है। इसमें पुट अप कर लीजिए एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट माइनस वन एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसका हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर क्या है करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर आपको दिख रहा होगा, आई होप कि क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर टेन ये अभी सॉल्व नहीं करा हुआ है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर इलेवन को पहले देख रहे हैं, इसको मैं करवाऊंगा। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट कह रहा है कि यहाँ पे एक डिटरमिनेट की वैल्यू दी हुआ है, ये वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर टू थ्री फोर इनका स्क्वायर, इस तरह से डिटरमिनेट दिया हुआ है, तो चार ऑप्शन भी दिया हुआ है 60, 90, 120 नॉन ऑफ दीज इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस डिटरमिनेट को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, ओपन करने पे मैंने एक यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रखा है आर थ्री, आर थ्री में से आर टू को माइनस कर रखा है, आर फोर में से आर वन को माइनस कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसी हम यहाँ पे जैसे हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह आर वन आर टू तो इसी तरह से रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। आर थ्री में से आर टू, तो नाइन में से फोर फाइव, सिक्सटीन में से नाइन सेवन, ट्वेंटी फाइव में से सिक्सटीन नाइन एंड थर्टी सिक्स में ट्वेंटी फाइव इलेवन, एंड आर फोर में से आर वन, तो सिक्सटीन में से वन फिफ्टीन, ट्वेंटी फाइव में से फोर ट्वेंटी वन एंड थर्टी सिक्स में से नाइन ट्वेंटी सेवन, फोर्टी नाइन में से सिक्सटीन थर्टी थ्री, ठीक है। इसमें से क्या लिया हुआ, मैंने थ्री कॉमन ले लिया, तो थ्री कॉमन लेने पर क्या होगा यहाँ पे फाइव सेवन नाइन एंड इलेवन। अब देख पा रहे होंगे कि ये और ये दोनों क्या होंगे, सेम हो गया। हमें पता है कि जब किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम इक्वल आते हैं, सेम आते हैं, तो उस केस में हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। बट इसमें हमारे पास ऑप्शन जीरो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कह रहा है हमारा, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस का फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इट एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, द फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस का फाइव।
तो ट्राई करते हैं। हमें पता है कि मॉड एक्स का जो फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, पॉजिटिव एक्स कब होता है जब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, नेगेटिव एक्स कब होता है जब एक्स लेस देन जीरो होता है यहाँ पे। तो ये मॉड एक्स उसी उसमें मैंने कन्वर्ट कर लिया इसी चीज़ को, ठीक है। तो पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, फाइव पे चेक कर रहा हूँ पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे। तो जैसे तुम इसको चेक करोगे तो कंटिन्यूटी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसको आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा ये हो जाएगा एंड राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये हो जाएगा। जैसे तुम इसमें अप्लाई करोगे तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि ये एक्स इज इक्वल टू फाइव पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है भैया। फिर इसके लिए मैंने डिफ्रेंशियबिलिटी चेक कर रखी है, जीरो पे चेक कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। जीरो पे जैसे चेक करेंगे तो ये डिफरेंशिएबल भी हो रहा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो हमारे इसमें से सही है अभी फिलहाल, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा है। जैसे तुम इसको चेक करोगे एट एक्स इज इक्वल टू -5, इस पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है उस पॉइंट पे तो क्लियर है कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बट इसने लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, द एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -5। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, तो आप डायरेक्ट इसको भी चेक कर इस तरह से भी कर सकते थे। इसको ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाई, वेर पी इज डी वाई ओवर डी एक्स। ऑप्शन हमें चार दिए हुए हैं। एक क्लेरेट इक्वेशन का इक्वेशन एक क्लेरेट की इक्वेशन है हमारे पास, तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाई। तो इस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले मैं उधर लेके चला और मल्टीप्लाई बाय, इसकी जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करा हुआ है, सबसे पहले वाई से इसको मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन को, तो वाई स्क्वायर ये पी एक्स वाई हो जाएगा एंड पी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद इस चीज़ को मैं उधर लेके चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा हुआ है यहाँ पे, पी की वैल्यू तो हमें पता है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये पहले ये लिखा हुआ है इस बार, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ पी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये मैंने ये लिख लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, पी वाई अपॉन एक्स, इसी में एक्स से मल्टीप्लाई भी कर रखा है, इसी में एक्स से डिवाइड भी कर रखा है, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर उसको बाहर लिखा हुआ है और डिवाइड बाई एक्स। ये जनरल इक्वेशन में हमारी ये कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे टेक यहाँ पे क्या लेना है, एक्स स्क्वायर को यू लेके चलना, वाई स्क्वायर को वी। तो इसका जैसे तुम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी वी। एंड इन्हीं को क्या करना है हमें, यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन थी ये क्या बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे, इसी को इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू इसको भी ले सकते हो। मैंने क्या कर रखा है, डी वी ओवर डी यू कर रखा है, इसको इस आपस में डिवाइड कर लिए, तो ये कितना आ जाएगा, टू टू वाई डी डी वाई एंड टू एक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लेके चला था, वो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन था कि वो पी, तो इस पूरे को पी मान लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया यहाँ पे। तो इस पी को भी तुम यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स दोबारा कर सकते हो, तो इसी को यहाँ पे एक्स एक्स वाले को एक साथ रख लेना एंड वाई वाई वाले को एक साथ हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इन पूरी इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल पी क्लेट कंसिडर कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो डी वी ओवर डी यू इज इक्वल टू कैपिटल पी आया, तो ये यू को साइड लेके चले गए पी के साथ, तो डी वी इज इक्वल टू पी डी यू, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, डी वी का वी हो जाएगा और यहाँ पे यू का डी यू का हमारे पास यू हो जाएगा, और एक की पी कैपिटल एक कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे हम जोड़ेंगे यहाँ पे, जिसको मैंने नाम दिया हुआ पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है, पी की जगह सी रख लेना यहाँ पे, वी तो हमें पता है कि वी क्या था हमारे पास वाई स्क्वायर और यू क्या था एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, पी की जगह सी लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो हमारा कुछ ना कुछ ऑप्शन यहाँ पे बन रहा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने इस पार्ट में करे हुए हैं, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू।